हो आपके, अगर आपकी कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको इंसाफ नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल कभी भी एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के किसी भी पदाधिकारी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रोशन गेट के आसपास हो तो आप हमारे सैयद मसूद आलम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा कंट्रोल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, प्ले स्टोर पर हमारा हेल्प वोमन ऐप के नाम से एक ऐप भी है, जो कि ऑल ओवर इंडिया आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी उस ऐप की मदद से विद इन 10 मिनट्स आपको वहाँ पर हेल्प मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं पे गैरकानूनी धंधा बंद करवाना चाहते हैं और आपका नाम नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए आप एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी हमारे कार्यालय में आप रिपोर्टिंग करिए, आपका बिल्कुल नाम नहीं आएगा, हमारे थ्रू उस धंधे को बंद करवाया जाएगा। देते हैं तो हम लोग किसी को ब्लैकमेल करना, किसी भी राशन की दुकान पे ऑब्जेक्शन लेना, ये करना, ये हमारा बिल्कुल काम नहीं है, हम बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे एनजीओज हैं जो राशन की दुकानों पर थोड़ा सा एलिगेशन करेंगे, फिर उनसे कुछ पैसे लेंगे और उनको ब्लैकमेल करने के बाद में वो कार्रवाई बंद करेंगे, फिर एक नया शुरू होगा। तो कि ऐसा नहीं है कि ये बात पुलिस को मालूम नहीं है, पुलिस को सब पता है कि कहाँ पे क्या बिक रहा है, लेकिन हम लोग के पास में क्या ऐसे ठोस सबूत नहीं है कि हम इनका के ऊपर कार्रवाई करें। पुलिस बोलती है कि आप हमको प्रूफ दीजिए। अभी हाल ही की बात है, कमिश्नर और पुलिस के पास एक बंदा गया और उसने कहा कि साहब ये ऐसे ऐसे इलीगल काम चल रहे। जी देखिए, आज जो रोशन गेट पर आजम कॉलोनी में हमारा एक ऑफिस ओपन हुआ है, आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और ये जो ऑफिस है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सैयद मकसूद आलम, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और इनका अलहमदिल्ला से आज इनॉग्रेशन हो चुका है। इन्होंने पहले कटकट गेट पर ऑफिस का इनॉग्रेशन किया था, अभी उसकी शिफ्टिंग और यहाँ से भी न्यूली ये स्टार्ट कर रहे हैं, और अलहमदिल्ला यहाँ से भी अभी जो कंप्लेंस है क्राइम रिलेटेड, करप्शन रिलेटेड एंड किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन हो तो यहाँ से भी अभी कंप्लेंस लेने स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरह के हर जगह जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिसेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं, और जिसको भी पोस्ट दी जाएंगी अभी जो भी हमारे पास पोस्ट पे अभी जो भी ज्वाइन होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी हर जगह पे ऑफिसेस ओपन हो रहे हैं अभी धीरे धीरे। अभी हमारे जालना में भी ऑफिस ओपन हुआ है, तो ठीक इसी तरह के जगह जगह पे ऑफिसेस ओपन हो रहे हैं, सिल्लोड में ओपन हो रहे हैं, तो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स, सबके अभी ऑफिसेस कंपलसरी हो चुके हैं और सबको अपने अपने ऑफिस से काम स्टार्ट करने के लिए हम लोग ने सलाह दी है। और अभी यहाँ से औरंगाबाद से हमारा जो फर्स्ट ऑफिस हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का है शाहस काजी का, और अभी सेकंड ऑफिस जो अभी हमारा ओपन हुआ है वो है सैयद मकसूद आलम, जो कि यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो ये हमारे पदाधिकारी है। और अभी औरंगाबाद में अगर किसी को कंप्लेन करनी हो, शिकायत दर्ज करनी हो, अगर पुलिस या कहीं पे कोई शिकायत नहीं ली जा रही है और कलेक्टर ऑफिस हो या जहाँ कहीं भी कोई शिकायत नहीं ली जा रही है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सैयद मकसूद आलम, आप यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के थ्रू आपकी शिकायत, आपकी FIR दर्ज करने में और बाकी आपकी कार्रवाई के लिए पूरी पूरी मदद की जाएगी। जी नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, बिल्कुल फ्री है, कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। और यही नहीं, आज फ्रॉम 2012 से हम लोग आज एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी काम कर रही है, और 2012 से लेके आज तक हमने कितनी सारी FIR कर चुके हैं, कितनी सारी FIR करवा चुके हैं लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने इंसाफ दिलाए हैं, और उसका हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास कि हमने कितनी सारी कंप्लेंट्स का है। जब ज़रूरत पड़ती है किसी की तो हम को रिकॉर्ड शो करते हैं, वरना बहुत सारी हमने FIR दर्ज की है। अभी भी हाल ही में कुछ 3 लोग हैं जो कि स्टूडेंट थे, उनके साथ फ्रॉड किया गया था। एक मराठी एक्टर है, तो मराठी एक्टर ने और उनके भाई ने मिलकर दोनों ने फ्रॉड किया था स्टूडेंट के साथ में। पिशोर में अभी अभी हमने एक FIR दर्ज करवाए हैं, और पिशोर में बिल्कुल भी FIR उनकी दर्ज नहीं की जा रही थी, फिर उन लोग ने एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी को रिपोर्ट किए और यहाँ से हमारे थ्रू उनकी FIR दर्ज करवाई गई। तो ठीक इसी तरह के कोई भी मामले हो आपके, अगर आपकी कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको इंसाफ नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल कभी भी एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के किसी भी पदाधिकारी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रोशन गेट के आसपास हो तो आप हमारे सैयद मसूद आलम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा कंट्रोल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, प्ले स्टोर पर हमारा हेल्प वोमन ऐप के नाम से एक ऐप भी है, जो कि ऑल ओवर इंडिया आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी उस ऐप की मदद से विद इन 10 मिनट्स आपको वहाँ पे हेल्प मिल सकती है। जी रोशन गेट का जो ऑफिस है आपका, तो आसपास का एरिया जो है जो सलम है, और यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए लोग परेशान है, और राशन दुकानदार के खिलाफ
देखिए जो देखिए जो हमारा जो काम होता है, हम किसी पे भी खुद से कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल जो है तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एनजीओज है, बहुत सारे इनका ब्लैकमेलिंग का धंधा बन चुका है, ये किसी को भी ब्लैकमेल करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करके। तो हमारे यहाँ पे ब्लैकमेलिंग का काम बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग जो है किसी की लीगल कंप्लेन और लीगल कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी कंप्लेन हम लीगल कंप्लेन लेकर आगे रिपोर्टिंग करके आगे हम जिस ऑफिसर्स के पास उनका काम हो उस ऑफिसर को रिपोर्टिंग करके हम लोग उसका काम करवा के देते हैं। तो हम लोग किसी को ब्लैकमेल करना, किसी भी राशन की दुकान पे ऑब्जेक्शन लेना, ये करना, ये हमारा बिल्कुल काम नहीं है, हम बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे एनजीओज हैं जो राशन की दुकानों पर थोड़ा सा एलिगेशन करेंगे, फिर उनसे कुछ पैसे लेंगे और उनको ब्लैकमेल करने के बाद में वो कार्रवाई बंद करेंगे, फिर एक नया शुरू होगा। तो इस तरह के ब्लैकमेलिंग के काम हमारे यहाँ पे एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी में बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल, अगर किसी को तकलीफ है राशन की दुकान से हो या कोई भी किसी से भी कोई तकलीफ हो तो आप लीगली कंप्लेन एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी में दर्ज कर सकते हैं। आपकी उस कंप्लेन के बेस पर बिल्कुल आगे कंप्लेन फॉरवर्ड करके आपकी कार्रवाई की जाएंगी। नशा मुक्त के ऊपर आपको क्या बोलना है? जो भी जी नशा हमारे बहुत बोलते मत करते तो कुछ भी नहीं सिर्फ बोलने के। देखिए जो आपके जो खासदार साहब है, खासदार साहब के बारे में तो अभी मैं नहीं कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब वो गलत होते हैं तो मैं बिल्कुल उन पर आवाज उठाता हूं। अभी ऐसा होता है कि अगर मैं हर बात पर उन पर आवाज उठाऊ तो लोग कहेंगे कि ये कोई बीजेपी का बंदा है या किसी और पार्टी का, और खासदार साहब पे एलिगेशन कर रहा है। तो इस टॉपिक पे आज मैं नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ जो आज हमारा इनॉग्रेशन है तो मैं एक लीगल कंप्लेंस के लिए और लोगों को इंसाफ के लिए यहाँ पे बात करूंगा। और इंशाल्लाह जो रहा सवाल नशे का, नशे के लिए अभी नशा मुक्त अभियान हम लोग चलाने वाले हैं। कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन किया गया है कि नशा मुक्त अभियान चलाने के लिए अवेयरनेस के लिए हमें परमिशन दी जाए। तो अभी परमिशन सीपी साहब के पास से जैसे ही परमिशन मिलती है तो सभी पुलिस स्टेशन के एरिया में क्राइटेरिया में हम लोग काम करने वाले हैं, उसमें जगह जगह पे नशा मुक्त के लिए अभियान चलाया जाएगा। सर मगर अभी तो पूरे चंपा चौक से आजाद चौक तक देखिए आप, हर टपरी में गुटखा मिलेगा आपको, हर टपरी पे ऊपर में गुटखा। देखिए अभी क्या है मालूम है क्या, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये बात पुलिस को मालूम नहीं है, पुलिस को सब पता है कि कहाँ पे क्या बिक रहा है, लेकिन हम लोग के पास में क्या ऐसे ठोस सबूत नहीं है कि हम इनका के ऊपर कार्रवाई करें। पुलिस बोलती है कि आप हमको प्रूफ दीजिए। अभी हाल ही की बात है, कमिश्नर और पुलिस के पास एक बंदा गया और उसने कहा कि साहब ये ऐसे ऐसे इलीगल काम चल रहे हैं। कमिश्नर साहब ने कहा कि आप एविडेंस दो, मैं कार्रवाई करता हूँ। आप जो बोल रहे हो वैसा अगर है तो एविडेंस दो। तो आज आपके पास और मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम इन पर एलिगेशन करें। हाँ, अगर हमारे पास कोई एविडेंस है बिल्कुल 100% उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, उस अगर वो ऑफिसर कार्रवाई नहीं करता उस ऑफिसर पर कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि अवैध धंधे बंद हो लेकिन हमारा नाम ना आए। देखिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अवैध धंधे बंद हो और हमारा नाम ना आए, लेकिन आज देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि ये बात पुलिस को नहीं पता है, और अक्सर वो किसी के ना किसी थ्रो पता चल ही जाता है कि किसने रिपोर्ट किया और किसने ये मालूमात दी है, तो उसमें काफ़ी दुश्मनी के चांसेस होते हैं, इसीलिए कोई कंप्लेन करने के लिए नहीं आती। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं पे गैरकानूनी धंधा बंद करवाना चाहते हैं और आपका नाम नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए आप एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी हमारे कार्यालय में आप रिपोर्टिंग करिए, आपका बिल्कुल नाम नहीं आएगा, हमारे थ्रू उस धंधे को बंद करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। आज यहां पे मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीड़ के, जो कि यूनुस साहब है, और हमारे इंस्पेक्टर है इमरान साहब, औरंगाबाद इंस्पेक्टर, ये भी यहां पे मौजूद है, और बाकी और भी पदाधिकारी हमारे मौजूद हैं। जी सरमाया मीडिया ये कभी भी महरूम तबकात की नोटिस नहीं लेता है, हमारा अपना मीडिया, अपने आप को अपडेट रखिए, औरंगाबाद अपडेट देखिए, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और हर खबर पे पैनी नज़र बनाए रखने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए औरंगाबाद अपडेट।